हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। और आज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चेक करने वाली हूँ कि क्यों आपको एंजल नंबर्स शो हो रहे हैं, रिपीटेडली आपको एंजल नंबर्स क्यों शो हो रहे हैं, क्या है मैसेज आपके लिए, ये मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगी। और क्या कुछ आगे आपके लिए वेट करा है, क्या आपको इस वक्त में बताना है डिवाइन को, और क्या है गाइडेंस आपकी आगे की जर्नी के लिए, ये सब कुछ मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, ओके। और रीडिंग ये टाइमलेस है, जब भी चाहो आप देख सकते हो। ऑल जोडियाक साइंस के लिए है, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करती है लीजिए, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिए। चलिए टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप अगर अनमैरिड हो, मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो आगे आपकी मैरिज होने वाली है। बहुत ही एक अबंडेंट लाइफ आपकी आगे होने वाली है। तो हो सकता है ये साइन देने के लिए आपको डिवाइन एंजल नंबर्स शो करे हैं। ऑलरेडी अगर मैरिज में हो तो यहाँ पर आपकी जो फैमिली है वो एक्सपैंड हो सकती है, ओके। और फाइनेंशियल कोई ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है। सडनली आप जहाँ पर वर्क करे हो, आप या फिर आपकी स्पाउस अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में वर्क करे हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस है आपका, तो वो ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है, ओके। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि फैमिली से अगर दूर में हो, कहीं बाहर हो, तो फैमिली के साथ यूनियन हो आप लोगों का, ये भी हो सकती है, जिस वजह से आप लोग बहुत खुश होंगे। ओवरऑल आपकी फैमिली लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ओके। और कुछ लोगों के लिए करेंटली आप हो सकता है बिजनेस में ग्रो करो, जिससे आप फैमिली की विश को फुलफिल करो, ये भी आप लोगों के लिए आगे वेट करा है, ओके। यस, आपकी फैमिली की कोई विश यहाँ पर फुलफिल करो, आप फाइनेंशियल ग्रोथ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और एक कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर शो हो रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इस वजह से हो सकता है आप लोग अप्रिशिएशन गेट कर रहे हो डिवाइन की तरफ से, और आपको एंजल नंबर्स शो हो रहे हैं। और देखते हैं क्यों है एंजल नंबर्स। यस, आपको कहा जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप वॉर करें वो एकदम सही है, आपकी जो प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर वो एकदम सही है, आप एकदम सही ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हो, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, ओके। तो इस वजह से भी हो सकता है आपको साइंस मिल रहे हैं, दिख रहे हैं एंजल नंबर्स। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी मैसेज है कि आपको पुश मिल रहा है आगे, कि आपकी आगे की जर्नी में थोड़ा आपको स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है, थोड़ा प्लानिंग बनाकर वर्क करनी है। डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है आगे, आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे, लेकिन थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो ये आपको ऐसे टाइम पर भी दिख सकता है जब आप लोग दुखी हो, इमोशनली अपसेट हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये टाइम इमोशनली अपसेट होने के लिए नहीं है। आप देखो आपके लाइफ में ऑलरेडी जो चाहते हो वो है, ओके। आपके पास लव है, आपके पास सपोर्टर है, आपको समझने वाले लोग मौजूद हैं। हो सकता है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, दुखी हो रहे हो, कोई लॉस आपने देखी है रिसेंटली, तो इसीलिए आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं कि अपने आप की जो मूड है उसको सही करिए, अपने आप को बूस्ट करिए, क्योंकि आपके लाइफ में लव है, आप देख नहीं रहे हो, ओके। आप ऐसी जगह पर फोकस कर रहे हो जहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, लेकिन जो अबंडेंस है आपके लाइफ में वो आप नहीं देख रहे हो, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इस वजह से दुखी हो, तो आगे आपके लिए बहुत अच्छा कनेक्शन वेट कर रहा है, आपको यहाँ पर अपनी फोकस को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। ओके, अगेन यहाँ पर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग की ही एनर्जी है। तो जो भी कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए, आपको प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़नी है, दूर का आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपकी जर्नी बहुत दूर की है, आप बहुत कुछ करने आए हो, ओके। तो छोटा मत सोचिए, ये टाइम है कुछ कर जाने की, ओके। तो हार्डवर्क करिए, जो आप पाना चाहते हो उसके टूवर्ड्स कंप्लीटली डेडिकेटेड रहिए, फोकस्ड होकर काम करिए और स्ट्रैटेजी मेंटेन करिए, ओके। ये आप लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर है। चलिए और देखते हैं आपको एंजल नंबर्स क्यों शो हो रहे हैं। जस्टिस, ओके, न्याय मिलने वाला है। कुछ आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है, कहीं पर आपके साथ गलत हुआ है,
तो ये टाइम है आपके साथ जस्टिस होगी, कर्मा बैलेंस यहाँ पर होने वाली है आपकी और बहुत सी चीज़ें एकदम सेट होने वाली है। और आपको भी ध्यान रखनी है कि आप जुडिशियस बने रहे, ओके, किसी के साथ भी कुछ गलत मत करिए आप, अपने एक्शंस को बहुत सोच समझ कर लीजिए, ओके, ये मैसेज आपके लिए है। बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं जिस वजह से आपको एंजल नंबर्स शो हो रहे हैं, आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है, जो चीज़ें रुकी हुई थी सडनली आपको दिखेगी कि चेंज हो रही है, उसमें ग्रोथ आ रही है, आगे बढ़ रही है। सिचुएशन अगर स्टक थी इतने दिनों तक तो यस, आपके लिए अच्छे टाइम आगे वेट करा है, इसलिए आपको एंजल नंबर्स शो हो रहे हैं। ओके, तो मैं कुछ एंजल नंबर्स आपको बताना चाहूँगी जो इस टाइम पर हो सकता है आपको दिख रही है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, तो 10-10 अगर एंजल नंबर्स आपको शो हो रहे हैं तो उस टाइम पर आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है, मैरिज यहाँ पर हो सकता है, आपकी डेस्टिनी कम्प्लीटली बदल सकती है। ओके, आपकी लाइफ में एक बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि मैरिज से जुड़ी हुई कुछ चेंजेस आ सकती है। ओके, ट्रेवल से जुड़ी हुई कोई विश यहाँ पर फुलफिल हो सकती है, फैमिली लाइफ में कोई चेंजेस आ सकती है, फैमिली एक्सपेंड हो सकती है, और आप अपनी एल्डर्स की, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी कोई विश, बिग ड्रीम आप लोग फुलफिल करने वाले हो। ओके, और 555 एंजल नंबर अगर बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं आपको, तो 5 से रिलेटेड कोई नंबर अगर शो हो रहे हैं, तो बार बार आपको ये मैसेज मिल रहा है कि चेंज योर फोकस, आप करेंटली नेगेटिविटी पर फोकस करे हो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पर फोकस करें, या पॉजिटिव थिंकिंग आप रखिए अपने माइंड में, और जो भी पैटर्न है आपकी लाइफ में उसको बदलने की ज़रूरत है। ओके, तभी आप अपनी डिप्रेस्ड या फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी से बाहर आ पाएंगे, बदलाव यहाँ पर ज़रूरी है आपके लिए। 11-11 अगर आपको शो हो रहे हैं तो आपके लिए ये मैसेज है कि जुडिशियस रहिए, बैलेंस में रहिए, आपकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन बैलेंस होने वाली है, तो अपने आप को इस टाइम पर जुडिशियस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस में रखना आपके लिए इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। 333 एंजल नंबर आपको ये बता रहा है कि यस, आपको आगे बढ़नी है, स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है, ग्रो करना है, सीखना है, चीज़ों को आपको सीखना भी है, इम्प्लीमेंट भी करनी है, प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़नी है, आपके लिए आगे ग्रोथ है, एक्सपैंड होगी चीज़ें। ओके, और थोड़ा विजन बिग रखिए, दूर का सोचिए, दूर का देखने की कोशिश कीजिए, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पर चेक करना चाहूँगी, क्या हो सकती है गाइडेंस आप लोगों के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, अपनी जर्नी में गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप मांग सकते हो, डिवाइन से आपको प्रे कर सकते हो, आपको सपोर्ट मिलेगी दूसरों से इस टाइम में। वेट, ओके, पेशेंस भी आप लोगों के लिए है, अगर एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस बनाकर ऑब्जर्व करनी है अपने लाइफ के कुछ पैटर्न्स को। ओके, आपके लिए मैसेज है कि पेशेंस रखिए, वेट कीजिए थोड़ा और, आपके लिए हैप्पीनेस आगे वेट करा है। ओके, ये मैसेज खुद से आया है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो हो सकता है अभी इस टाइम पर आपको वो नहीं मिल सकता है जो मैनिफेस्ट करे हो, लेकिन कुछ ही महीनों में जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे शो हो रहे हैं कि ट्रेवल से रिलेटेड अगर कोई विश है, आप कहीं पर जाना चाहते हो, आपकी विश है बहुत दिनों की, तो वो ज़रूर फुलफ़िल होगी। बार बार मैं कह रही हूँ, फैमिली की कोई ड्रीम आप फुलफ़िल कर सकते हो, आपकी कोई ड्रीम भी यहाँ पर फुलफ़िल हो सकती है, एंड ग्रैंड सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है कि आगे के टाइम में ना आपको कोई अवार्ड मिले। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा शो हो रहे हैं कि आपको अवार्ड मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपके साथ कुछ पहले गलत हुआ था, कुछ आपसे छीन गया था, लेकिन आपको वो दोबारा मिल रहा है। ओके, और ये ग्रैंड सेलिब्रेशन मैरिज की भी हो सकती है और कोई सक्सेस की हो सकती है, करियर वाइज भी कोई सक्सेस भी मिल सकता है। ओके, बहुत ब्राइट एनर्जी है, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अभी आप थोड़ा वेट करो और जिस बात को फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो, ये राइट टाइम नहीं है। देखिए कितना सारा कनेक्टेड कार्ड है, ये राइट टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करो, लेकिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके लिए जो आप चाह रहे हो वो विश आपकी ज़रूर फुलफिल होगी। लास्ट कार्ड, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो आपको थोड़ा और जानने की ज़रूरत है, कोई स्पेसिफिक फील्ड में अगर वर्क कर रहे हो तो आपको थोड़ा और जानने की ज़रूरत है, तभी आपके लिए ग्रोथ आगे आएगी। ओके,
तो यही है गाइडेंस आप लोगों के लिए. आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिले, और अगर आपको इस रीडिंग से कोई हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.